ये वोल्टास का फ्रिज है बैको, इसका कंप्रेसर जल गया, बैक हो गया। जय राधे। आज के इस वीडियो में वोल्टास सिंगल डोर फ्रिज का कंप्रेसर हाई एम्पीयर हो गया, ज्यादा एम्पीयर रहना चलता उलता नहीं, खाली घूम जाता है, यानी कंप्रेसर खराब हो गया, इसको हम चेंज करेंगे। ये हमारा कंप्रेसर पुराना वाला, ये बॉक्स में नया वाला जो कि कंपनी से है, ये हमने खरीदा नहीं है, ये फ्रिज गारंटी में ही था, एक महीना हुआ खराब गया साला। ये देखिए कंप्रेसर बहुत छोटकी सा लगता है, यानी छोटका जो बॉल होता है उसके तरह लग रहा है। इसके साथ एक फिल्टर दिया है और एक कंप्रेसर दिया है, और कुछ नहीं दिया गया। और ये फ्रिज का एक महीना हुआ है, वोल्टेज फ्लैक्चुएट करने के कारण इसमें 600 गैस है, वोल्टेज फ्लैक्चुएट के कारण कंप्रेसर खराब हो गया। ये नया वाला कंप्रेसर है जो कि कंपनी द्वारा है। सबसे पहले चार्जिंग लाइन को काट लेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज लाइन को काटेंगे, उसके बाद सक्शन लाइन को काटेंगे। ध्यान से देखिएगा, सीख जाएगा मात्र 1 से 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। उससे पहले आपको फाइल मार देना है, नहीं तो स्लेश मार देना है। उसके बाद ये लॉक रहता है, इसको नोच पिला से सीधा करेगा तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होने के बाद आपको नया वाला कंप्रेसर को लगा देना है, उस प्रकार से निकालेगा तो निकाल लेगा नया वाला कंप्रेसर को। फिर आपको उसको घुमा घुमा कर पत्ती रख के कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद चार्जिंग लाइन को ऐड कर देना, डिस्चार्ज लाइन को ऐड करना है, सक्शन लाइन, सारे लाइन को ऐड कर देना है। वैक्यूम करने के बाद ये गैस को चार्ज कर देना है। ये हो गया कंप्रेसर चेंज, और तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसान तरीका से कंप्रेसर को चेंज करते हैं। नॉर्मल तरीका से वेल्डिंग करेगा, हो जाएगा 600 का PSI, जान में करते हैं, थोड़ा आसानी होता है। बताइए, वोल्टेज कम बेसी होगा तो कंप्रेसर जरूर है कि भाई हाई एम्पियर ले लेगा, तो इसमें कंपनी के दोस्त हो रहे हैं, वोल्टेज आएगा 100-150 तो भाई उसमें सिस्टम तो गड़बड़ा जाएगा। इसके कारण कंप्रेसर खराब है, कंप्रेसर चेंज कर देंगे, वैक्यूम करके उसके बाद गैस को चार्ज कर देंगे और क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।